पार्टी के मतदान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की गई। एमएलसी चुनाव में जीत के लिए भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। शनिवार को सिरसागंज स्थित क्षेत्रीय धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगरा खंड के स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं आए हुए मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताए जाने की अपील की। वहीं जिला महामंत्री शशिकला यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हर समुदाय को साथ लेकर चल रही है। वहीं अविनाश सिंह भोले जिला महामंत्री ने कार्यकर्ता और मतदाताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में बताया और प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जीत की अपील की। इस दौरान मतदाताओं का पटका पहनाकर स्वागत भी किया गया। नगर अध्यक्ष भाजपा केशव गुप्ता ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा का मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आगरा खंड के स्नातक एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने की अपील की गई है। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी व महिला मोर्चा की टीम मौजूद रही। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। आज नगर के क्षत्रिय धर्मशाला में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्नातक मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। जैसा कि सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी को अपना प्रत्याशी बनाया है एमएलसी के लिए। महोत्सव उनके समर्थन में है और उनको जिताने के लिए हमने अपनी रणनीति तैयार की है। हमने कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पूरी तरीके से पहुँचाई है, कार्यकर्ता वोटर तक पहुँचे हैं। हो सकता है कई जगह न पहुंच पाए हो, लेकिन ज़्यादातर जगह हमारा कार्यकर्ता वोटर तक पहुंचा है और हमें उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी। मानवेंद्र जी एक बड़े बहुमत से विजयी होगी।